अच्छा परफॉर्म करना है और ऐसा करना है कि दुनिया को पता लगे कि बाबर आजम भी कोई प्लेयर है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान में बहुत सी चीजें कॉमन है, जैसे कि संघर्ष। हर खिलाड़ी की कहानी एक जैसी होती है क्योंकि दोनों ही देश सटे हुए हैं। वैसे तो भारत से ही पाकिस्तान बना हुआ है, वहीं फिलहाल दोनों देशों को क्रिकेट ने जोड़ कर रखा है, वह भी तब जब भारत और पाकिस्तान का सामना किसी बड़े टूर्नामेंट में होता है। क्रिकेट की बात की जाए तो दोनों देशों के खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी मिलती जुलती होती है। वनडे में 1258 दिनों के बाद एक नया बादशाह मिलता है। पहले वनडे बादशाह किंग कोहली थे जो 1258 दिनों तक नंबर वन की कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन अब इस बादशाह को हटाकर एक नया बादशाह मिल गया है। उस बादशाह का नाम है बाबर आजम। बाबर ने कोहली को वनडे की नंबर वन रैंकिंग से हटाकर खुद उस पर काबिज हो गए हैं, लेकिन बाबर आजम इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुँचे। बाबर आजम ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत की है, तब जाकर वह कोहली की जगह ले पाए हैं। दोस्तों बाबर आजम का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में 15 अक्टूबर 1994 को हुआ था। इनके पिता का नाम आजम सिद्दीकी है। बाबर आजम के पिता एक गवर्नमेंट टीचर थे। इनका बड़ा परिवार होने की वजह से उनके पिता बाबर को मनचाही चीजें नहीं दिला पाते थे, जिसके चलते बाबर अपना करियर नहीं बना पा रहे थे। लेकिन एक बार इनकी माँ ने बाबर से पूछा, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है? तब बाबर ने सीधा सीधा जवाब दिया कि उन्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। बाबर ने कहा कि मेरे पास तो क्रिकेट खेलने के लिए बैट ही नहीं है। उस वक्त बाबर की माँ सबाना आजम ने अपनी कीमती जेवर बेचकर बाबर को एक बैट दिलवाया। इसके बाद उनकी माँ ने बाबर को लाहौर के क्रिकेट एकेडमी में दाखिला करवा दिया। बाबर का बचपन लाहौर की गलियों और मोहल्लों में क्रिकेट खेलते हुए गुजरा। इन्होंने लंबे समय तक क्लब लेवल और रीजनल लेवल पर ही क्रिकेट खेला। बाबर आजम के दो भाई सफीर आजम और फैजल आजम हैं। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम फारिया आजम है। बाबर आजम के चचेरे भाई पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर अकमल और कामरान अकमल हैं। दोस्तों पिछले 14-15 सालों से अकमल भाइयों का पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ा नाम रहा है। कामरान, उमर और अदनान अकमल, यह तीनों भाई पाकिस्तान की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। यह तीनों विकेट कीपर बैट्समैन थे। एक समय ऐसा भी था जब उमर अकमल और कामरान अकमल पाकिस्तान क्रिकेट की जान थे, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी के चलते उनका पाकिस्तान क्रिकेट से सूर्यास्त होता चला गया। 2015 और 2016 के बीच में इसी परिवार से एक और सितारे का उदय हो चला था। दोस्तों बाबर का क्रिकेट में सफर 2008 में अंडर 15 विश्व चैंपियनशिप से शुरू हुआ था। उन्होंने 2010 और 2012 में पाकिस्तान के लिए 2 अंडर 19 विश्व कप में हिस्सा लिया। उसके बाद जूनियर स्तर के क्रिकेट में आजम ने दमदार प्रदर्शन कर सीनियर टीम में जगह बनाई। मई 2015 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे करियर की शुरुआत की। अपने पहले वनडे मैच में उन्होंने नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों में 54 रन बनाए। 7 सितंबर 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ अपने टी20 डेब्यू में उन्होंने नाबाद 15 रन बनाए। 2016 में यूएई में बाबर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने पहली पारी में 105 गेंदों में 69 रन बनाए। हालांकि वह दूसरी पारी में ज्यादा योगदान नहीं दे सके, लेकिन तब भी पाकिस्तान 56 रनों से मैच जीतने में सफल रहा। दोस्तों बाबर ने वनडे में पहला शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया था। उन्होंने 131 गेंदों पर 120 रन बनाए थे, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने दूसरे एक दूसरी मैच में भी अपने फॉर्म को बरकरार रखा और 126 गेंदों में 123 रन बनाकर फिर से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। बाबर ने तीसरे मैच में 106 गेंदों पर 117 रन बनाकर लगातार 13 शतक भी जड़ दिया। दोस्तों 19 जनवरी 2017 को बाबर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने का कारनामा किया। वह सीरीज में भी सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी रहे। लगातार अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उनको पाकिस्तान का उप कप्तान नियुक्त किया गया। उन्होंने अगले सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी रन बनाना जारी रखा। बाबर आजम ने महज 33 पारियों में ही 7 शतक लगा दिए थे। वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में लगातार 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। आजम 2016 और 2017 कैलेंडर वर्ष में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर थे। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। बाबर आजम की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।